अगर सच बोलूं तो मैं कॉन्जोरिंग यूनिवर्स का उतना बड़ा फैन नहीं हूं जितना इंसीडियस ट्रियोलॉजी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्जोरिंग सीरीज मुझे पसंद नहीं है। आई एब्सोल्युटली लव इट। लेकिन बात जब हॉरर की हो तो पता नहीं क्यों कॉन्जोरिंग यूनिवर्स डराने में नाकामयाब होती है, एटलीस्ट मुझे। रहा बात इस मूवी का, तो कॉन्जोरिंग द डेविल मेड मी डू इट इस सीरीज का तीसरा पार्ट है और पहली बार इस मूवी को जेम्स वॉन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट इस मूवी के डायरेक्टर है माइकल शेव्स, जो द कर्स ऑफ ला यूरोना के भी डायरेक्टर है और वो मूवी भी कॉन्जोरिंग यूनिवर्स का एक हिस्सा है। अब डायरेक्टर के चेंज होने की वजह से क्या ये तीसरा पार्ट डराने में कामयाब होता है कि नहीं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। कॉन्जोरिंग मूवीज फेमस है रियल केस फाइल्स के ऊपर स्टोरी बनाने के लिए, और अपने बाकी दोनों पार्ट्स की तरह ही पार्ट 3 में भी एड एंड लोरेन वॉरेन के केस फाइल में से एक केस को उठाया गया है, और इस बार सबसे पॉपुलर केस को उठाया गया, और वो है द डेविल मेड मी डू इट। तो ये स्टेटमेंट द डेविल मेड मी डू इट, इस स्टेटमेंट के पीछे का राज क्या है? तो इसका राज ये है कि एक मर्डरर आर्नी जॉनसन कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड करता है ये बोलकर कि वो एक डीमन से पोजेस था जब उसने वो मर्डर किया, और ये किसी भी कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी मर्डरर ने डीमन की आड़ में अपने आप को नॉट गिल्टी प्लीड किया। अब एडन लॉरेन आर्नी जॉनसन का हेल्प करते हैं इस डीमन से बचने के लिए, और इसी के अराउंड कॉन्जोरिंग 3 मूवी रिवॉल्व करती है। क्लियर कट बोलूं तो ये पार्ट बाकी दो कॉन्जोरिंग मूवीज से कमजोर थी, हॉरर एलिमेंट वाइज भी और स्टोरी वाइज भी। ये मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट 3 खराब है, नहीं नहीं, ये पार्ट भी आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, लेकिन डायरेक्टर जेम्स वॉन जो पहले दो पार्ट को डायरेक्ट किए थे उनकी कमी आपको जरूर खलेगी। इस मूवी का स्टोरी भले ही कमजोर हो लेकिन इसका स्क्रीन प्ले सरप्राइजिंगली एंगेजिंग था। यूजुअली हॉरर मूवीज का ग्राफ अप एंड डाउन होता है, जहां स्टोरी बिल्डअप करते टाइम मूवी थोड़ा स्लो हो जाता है और थ्रू आउट भी बिट्स एंड पार्ट्स में स्लो ही रहता है, लेकिन कॉन्जोरिंग 3 अपने पहले मिनट से ही आपको एंगेज करके रखता है। मूवी थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने पहले 5 मिनट में ही आपको एक एग्जॉर्सिज्म तक दिखा देता है जो मूवी के पेस को बहुत अच्छे से सेट कर देगा, और मूवी आपको थोड़ा भी बोर नहीं करेगा क्योंकि हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना रहेगा। पैट्रिक विल्सन और वेरा फर्मिगा एज एड एंड लॉरेन वॉरेन मास्टर्स बन चुके हैं इस रोल को प्ले करते करते। इनफैक्ट इनके कैरेक्टर्स को इस पार्ट में और भी अच्छे से यूज किया गया है, जहां ये दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं एक डिमोनिक पोजेशन की वजह से, जो मूवी में एक अलग तरह का टेंशन क्रिएट कर देता है। अब आप सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता भाई कि डर लगेगा कि नहीं? तो इसका जवाब है यस, डर जरूर लगेगा, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप मूवी कैसे देख रहे हैं। इस मूवी को एक्सपीरियंस करने के लिए लाइट्स ऑफ करके अकेले में देखिए तो ही मजा आएगा, या फिर थिएटर्स में देखिए तो मजा आएगा। अब आप चिल करते वक्त दोस्तों से बात कर करके या फिर मोबाइल में सोशल मीडिया अपडेट करते वक्त इस मूवी को देखिएगा तो ये मूवी में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। आपको इस मूवी को देखने के लिए, इस मूवी को एंजॉय करने के लिए, इस मूवी को एक्सपीरियंस करने के लिए लाइट्स ऑफ करके देखना बहुत जरूरी है। मूवी में जंप स्केयर्स आपको थ्रू आउट मिलेंगे जो एक दो झटका तो आपको जरूर दे देगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा पार्ट 3 में हॉरर एलिमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंपैरिजन में कम है। एक सीन है जब लॉरेन जंगल में जाती है और उसको कुछ विजन्स नजर आते हैं, वो पूरा सीन जिस तरह से कैप्चर किया गया था वाज फकिंग ब्रिलियंट। कैमरा वर्क उस सीन में वाज टू गुड। जिस तरह से कैमरा एंगल ऊपर से नीचे तक आता है और जैसे ही डे से अचानक नाइट हो जाता है, दैट एंटायर सीन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फिर एक हॉस्पिटल वाला सीन है जो बहुत ही जबरदस्त था और आपको वो सीन देख के बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी हॉरर मूवी के लिए, और इस मूवी में जहां बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था वहीं उसका प्लेसमेंट थोड़ा वियर्डली किया गया। एक टेंस सीन या हॉरर सीन को बिल्डअप करते करते बैकग्राउंड स्कोर एक्चुअली पहले ही रिवील कर देता है कि एक जंप स्केयर आने वाला है, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को कम्प्लीटली हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का बेड वाला सीन है जो बहुत ही ब्यूटिफुली पिक्चराइज था, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर की वजह से पहले ही आइडिया मिल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए एक टाइम था जब ये अच्छा लगता था और एक सीन को बहुत ही अच्छे से बिल्डअप करता था, लेकिन आज के डेट में ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर को इस बात का ध्यान देना होगा और अपना बैकग्राउंड स्कोर का प्लेसमेंट बहुत ही स्मार्टली पुट करना होगा। तो गाइस ओवरऑल कॉन्जोरिंग 3 डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है अपने स्क्रीन प्ले एंड एक्टर्स के जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन जहां हॉरर एलिमेंट्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा आपको इस मूवी में हॉरर एलिमेंट्स पहले दो पार्ट से थोड़े कम मिलेंगे। बाकी आप इस रिव्यू से खुद जज कर लीजिए कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट हॉरर मूवी मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।